पाकिस्तानी टीम दो टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए जुलाई 2023 में श्रीलंका का टूर करेगी। दोनों टीमों के दरमियान दो टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 16 से 20 जुलाई तक गोल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 24 से 28 जुलाई तक कोलंबो में खेला जाएगा। ये दोनों टेस्ट मैचेस पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 9:30 पर शुरू हुआ करेंगे। आइए अब जानते हैं इस सीरीज के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड्स के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले श्रीलंका के स्क्वाड में शामिल बैट्समैनों में शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन श्रीलंकन टीम के कैप्टन दिमुथ करुणारत्ने। फिर शामिल हैं राइट हैंडेड विकेटकीपर बैट्समैन कुसाल मेंडिस, राइट हैंडेड विकेटकीपर बैट्समैन दिनेश चंदिमल। इसके बाद शामिल हैं एक और राइट हैंडेड विकेटकीपर बैट्समैन निशान मधुशका। फिर शामिल हैं राइट हैंडेड बैट्समैन ओशादा फर्नांडो। इसके बाद स्क्वाड में शामिल ऑलराउंडर्स में सबसे पहले शामिल हैं राइट आर्म ऑफ ब्रेक के साथ साथ राइट हैंडेड बैटिंग करने वाले ऑलराउंडर धनंजय डी सिल्वा। इसके बाद शामिल हैं स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के साथ साथ लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करने वाले ऑलराउंडर कमिंदू मेंडिस। इसके बाद शामिल हैं राइट आर्म मीडियम बॉलिंग के साथ साथ राइट हैंडेड बैटिंग करने वाले ऑलराउंडर एंग्लो मैथ्यूज। फिर शामिल हैं राइट आर्म ऑफ ब्रेक के साथ साथ राइट हैंडेड बैटिंग करने वाले ऑलराउंडर रमेश मेंडिस। इसके बाद स्क्वाड में शामिल बॉलर्स में सबसे पहले शामिल हैं स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कराने वाले स्पिनर प्रभत जयसूर्या। इसके बाद शामिल हैं राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर असीथा फर्नांडो। फिर शामिल हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर लहिरू कुमारा, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर विश्वा फर्नांडो, राइट आर्म फास्ट बॉलर दुश्मांता चमीरा और सबसे आखिर में स्क्वाड में शामिल हैं राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर जमीका करुणारत्ने। इसके बाद पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल बैट्समैनों में सबसे पहले शामिल हैं पाकिस्तान टीम के कैप्टन राइट हैंडेड बैट्समैन बाबर आजम, राइट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शान मसूद, लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक, राइट हैंडेड बैट्समैन मोहम्मद हुरैरा, राइट हैंडेड विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान। इसके बाद शामिल हैं एक और राइट हैंडेड विकेटकीपर बैट्समैन सरफराज अहमद। इसके बाद स्क्वाड में शामिल ऑलराउंडर्स में सबसे पहले शामिल हैं लेफ्ट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कराने वाले बैटिंग ऑलराउंडर साउद शकील। इसके बाद शामिल हैं स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के साथ साथ लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करने वाले ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज। इसके बाद शामिल हैं स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के साथ साथ लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करने वाले बॉलिंग ऑलराउंडर नुमान अली। इसके बाद शामिल हैं राइट आर्म मीडियम बॉलिंग के साथ साथ राइट हैंडेड बैटिंग करने वाले ऑलराउंडर आमिर जमाल। इसके बाद स्क्वाड में शामिल बॉलर्स में सबसे पहले शामिल हैं लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर शाहीन शाह आफरीदी, राइट आर्म फास्ट बॉलर नसीम शाह, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हसन अली, राइट आर्म लेग स्पिनर अबरार अहमद,